मिस गर्ग जो है वो नहायत ही स्मार्ट डिज़ाइनर हैं और इस बात का इल्म जो है कबीर को अच्छे से है और आज उन्होंने कबीर को ही डिजाइन कर दिया जब मैनीक्विंस उनसे नहीं हुए मतलब मैनीक्विंस अच्छा मैनीक्विंस नहीं हुए सारा क्रेडिट खुद लेते हो मैनीक्विंस को रेडी करने बाद जब उनको कुछ करने को नहीं मिला तो बहुत रेस्टलेस उनको कुछ चाहिए था करने के लिए तो कबीर आई मैं तो ये एक क्या बोलते हैं इसको व्हाट यू कॉल इट कुछ तो बोलते हैं इसको सी एक्चुअली क्या है पता है केटी को मफलर बहुत पसंद है क्योंकि गर्मी में भी मफलर पहनते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता तो रचना ने सोचा कि कुछ यूनिक हो जाए यू नो मफलर हमेशा पहनेंगे तो क्या यूनिकनेस नहीं रहेगी तो रचना ने सोचा कि जो लड़कियां अपने मतलब हमेशा गाउन के साथ लेती हैं वो केटी को गले में दिया जाए सो केटी को अच्छा लग रहा है और है ना अच्छा लग रहा है इसको क्या कहते हैं पता नहीं सी ओके ठीक है मैं एम्प्लॉय हूं केटी का लेकिन केटी को पता है किसे क्या कहते हैं केटी तो डिजाइनर है बहुत नहीं पता हाँ कुछ कुछ कहते हैं इसको मैं नाम थोड़ा मेरे जहन से जो है निकल गया है अच्छा कुछ चेंज करने की कोशिश की है रचना ने आप में अगर आप रचना में कुछ चेंज करना चाहें इसे मॉडल के रूप में देखना चाहें तो क्या चेंज करना चाहेंगे रचना का मैं भी चाहता हूँ और हमारी ऑडियंस भी ये चाहती है जहाँ तक मुझे अंदाजा है उनके लुक का मेकओवर थोड़ा होना चाहिए बाल खुल जाने चाहिए जो कि कुछ एपिसोड्स में खुलते भी हैं तो और इनकी खूबसूरती निकल के आती है और लोगों को पसंद भी आती है जब लोग ग्लो एयर चलते हैं हवा मारते हैं लोग तो इनके बाल जो उड़ते हैं तो अच्छा ऐसा कुछ हो जाए ऐसा एक्चुअली मेरा मैं वही बता रहा हूँ जो फ्यूचर ट्रैक है आगे चल के इसी के साथ होने वाला है स्पेशली मैंने रखा फ्यूचर ट्रैक मेरे इसी के साथ स्पेशली इनके जो बाल हैं चाउमीन की तरह जो बिल्कुल नूडल्स की तरह वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो इसीलिए मैंने इनको रखा हुआ कि जब रचना मुझे छोड़ के चली जाएंगी जब विहान या कोई वापस आएगा तो फिर नाम क्या ले लिया फिर मतलब विहान की महाभारत निकाल रहा राजीव या विहान जो भी आएंगे उसके बाद फिर मेरा ट्रैकिंग के साथ होगा क्या चॉइस है शॉट रेडी है हमें जाना होगा इसके बाद कर लेंगे थैंक यू ऑर्डर